साहब दोस्तों हमारे कुछ दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक वित्त वर्ष में कितने की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर इनकम टैक्स नोटिस भेजकर हमसे जवाब मांग सकता है। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। हम इस एपिसोड में 6 ऐसे लेनदेन के बारे में भी आपको बताएंगे जिस पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है और जिसका जवाब आपको देना पड़ सकता है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो आपको कैसे जवाब देना है, क्या जवाब देना है। तो इन सब के बारे में हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। तो पहले 6 लेनदेन का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हर लेनदेन के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो पहला लेनदेन है बड़ी खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना। दूसरा लेनदेन है नगद में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद। तीसरा लेनदेन है बैंक लेनदेन, इसमें कैश जमा करना, कैश निकालना अपने बैंक से, इसके अलावा FD कराना, बचत खाते में जमा करना और करंट अकाउंट में जमा करना। चौथा है संपत्ति लेनदेन, यानी प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन, खाली प्लॉट, दुकान, मकान जो आप खरीदते हैं उसके संबंध में। पांचवा है शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश। और छठा है विदेशी मुद्रा लेनदेन। पहला है बड़ी खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने क्रेडिट कार्ड बिल का 1,00,000 रुपए या उससे अधिक नगद भुगतान या दूसरे माध्यमों जैसे कि चेक, बैंक हस्तांतरण के माध्यम से 10,00,000 रुपए या उससे अधिक करने का फैसला लेते हैं तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को अनिवार्य रूप से इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। टैक्स सलाहकारों का कहना है कि अगर क्रेडिट कार्ड का खर्च लौटाए गए पैसे के अनुपात में नहीं है तो आमतौर पर इनकम टैक्स विभाग टैक्स पेयर्स को नोटिस जारी करता है। जानकार कहते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति के पास ऐसा क्रेडिट कार्ड हो सकता है जो उस फर्म या दूसरी कंपनी के उपयोग के लिए होता है जहां वे काम करते हैं, इसलिए इस कार्ड के माध्यम से किए गए कंपनी के खर्च को आयकर विभाग को सूचित किया जा सकता है यदि तय सीमा से अधिक किया गया हो तब। कभी कभी यह भी हो सकता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी मित्र को उधार देते हैं जो फिर आपको आपके क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी की जरूरतों के लिए खर्च किए गए पैसे की प्रतिपूर्ति करता है। अगर इस तरह के क्रेडिट कार्ड लेन देन के लिए इनकम टैक्स नोटिस प्राप्त करने से बचना चाहते हैं तो दूसरों की ओर से खर्च न करें और फिर प्रतिपूर्ति न लें। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड बिल का मासिक आधार पर भुगतान के साथ साथ उसका ट्रैक रखना चाहिए ताकि जहां भी इस तरह का नोटिस मिले इनकम टैक्स विभाग को जवाब देने में आसानी हो। यानी समझे आप, अगर क्रेडिट कार्ड किसी दूसरे का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपना क्रेडिट कार्ड किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, तो ऐसा कभी मत करें। अपना क्रेडिट कार्ड खुद ही इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि जो क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं, उसका भुगतान करते हैं, इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखें ताकि इनकम टैक्स अगर नोटिस भेजे तो आप उसका सही सही जवाब दे सकें। दूसरा है नगद में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद। इनकम टैक्स काफी कीमती वस्तुओं और सेवाओं के लिए नगद भुगतान के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले काले धन प्रवाह को हतोत्साहित करना चाहता है, इसलिए यदि जब कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के लिए माल या सेवाओं की बिक्री से नगद प्राप्तियां तय सीमा से ज्यादा हो जाती है तो ऐसे लेन देन का विवरण फॉर्म 61A में दर्ज करना होता है। इसके बाद फॉर्म 61A के डेटा का आपके ITR से मिलान किया जाएगा और यदि आपका खर्च आपकी आय से मेल नहीं खाता है तो आपको एक नोटिस भेजा जा सकता है। फॉर्म 61A चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा कुछ वित्तीय लेन देन की रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित एक बयान होता है। जब लोग अधिक कीमत वाले वस्तुएं खरीदते हैं और लेन देन मूल्य तय सीमा से अधिक हो जाता है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर को फॉर्म 61A में ऐसे लेन देन की रिपोर्ट करनी होती है। तीसरा, बैंक लेन देन। हर एक बैंक को चालू खातों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 50,00,000 रुपए या उससे अधिक की नगद जमा और नगद निकासी लेन देन और बचत खातों के लिए 10,00,000 रुपए की सूचना देनी होती है। बैंक को एक वित्तीय वर्ष में 10,00,000 रुपए या उससे अधिक की सावधि जमा यानी FD की भी सूचना देनी होती है। यानी अगर आपने अपने बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 10,00,000 या उससे अधिक
जमा किया है तो हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ जाए, या फिर 10 लाख है उससे अधिक की एफडी की हो तब इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दूसरी ओर करंट अकाउंट जिसे चालू खाता कहते हैं उसमें अगर एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक जमा करते हैं या फिर निकालते हैं कैश में तो हो सकता है इनकम टैक्स नोटिस आपको दे सकता है और जवाब मांग सकता है। चौथा है संपत्ति लेन देन, यानी जो आप जमीन, खाली प्लॉट, दुकान, मकान खरीदते बेचते हैं उसके बारे में नोटिस आपके पास आ सकता है। मौजूदा कानून के मुताबिक जब तक किसी अचल संपत्ति का विलेख पंजीकृत नहीं होता है तब तक ऐसी संपत्ति का कोई भी खरीदार कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। यानी किसी भी संपत्ति का मालिक बनने के लिए आपको उसे रजिस्टर करवाना जरूरी है। इस तरह के लेन देन की सीमा 30 लाख रुपये है और जहां यह उस सीमा से अधिक है तो रजिस्ट्रार संपत्ति के खरीदार और विक्रेता का विवरण आयकर विभाग को रिपोर्ट करेगा। यानी 30 लाख रुपए तक आप अगर किसी संपत्ति को खरीद बिक्री करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आने का संभावना नहीं है, लेकिन अगर 30 लाख से ज्यादा की खरीद बिक्री करते हैं प्रॉपर्टी की तो हो सकता है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए और आपको जवाब देना पड़ जाए। इसलिए जब आप ITR फाइल करते हैं तो इस तरह के लेन देन का विवरण आपको शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन विवरणों का विभाग द्वारा मिलान और क्रॉस सत्यापन किया जाता है। पांचवा है शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश। हरेक कंपनी को अपने शेयर धारकों के विवरण की रिपोर्ट करनी होती है इनकम टैक्स विभाग के पास। यदि वो अपनी कंपनी के शेयर प्राप्त करने के लिए एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक प्राप्त करते हैं, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर और बॉन्ड के लिए भी 10 लाख रुपए की सीमा लागू है। यानी अगर आप शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, डिवेंचर में या बॉन्ड में किसी भी वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का निवेश करते हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है, उन कंपनियों को जहां से आप ये निवेश साधन खरीदते हैं। तो अगर आप 10 लाख या उससे अधिक का निवेश करेंगे तो हो सकता है आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाए और आपको जवाब देना पड़ जाए। छठा है विदेशी मुद्रा लेन देन। एक वित्त वर्ष में 10 लाख या अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा के रूप में किए गए भुगतान की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। यानी अगर आप 10 लाख या उससे अधिक की विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं एक वित्त वर्ष में तो हो सकता है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए और आपको उसका जवाब देना पड़ सकता है। यदि आपके आयकर रिटर्न में यानी ITR में रिपोर्ट उच्च मूल्य के लेन देन का जिक्र नहीं किया गया है या आप कानून के अनुसार आवश्यक होने पर अपना पैन की जानकारी देने में विफल रहते हैं तो निश्चित रूप से उस पर इनकम टैक्स के अधिकारियों का ध्यान जाएगा और हो सकता है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। भारत में सभी बैंक और वित्तीय संस्थान को व्यक्तियों द्वारा किए गए कुछ चुनिंदा लेन देन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को देना कानूनी तौर पर जरूरी है, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है। अब सवाल है कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाए तो क्या करना है। तो पहला, केवल नोटिस मिलने मात्र से परेशान मत होइए। जरूरी नहीं है कि नोटिस किसी गड़बड़ी के सिलसिले में ही आया हो। कई बार रूटीन पूछताछ या किसी अन्य तरह की जानकारी लेने के लिए भी असेसिंग ऑफिसर AO नोटिस भेजते हैं। दूसरा, नोटिस से घबराइए मत और न ही उसे नजरअंदाज करें। पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें कि वो किस सिलसिले में जारी किया गया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी भरोसेमंद जानकार से इस बारे में आप सलाह ले सकते हैं, जो कि टैक्स सलाहकार का काम करते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। तीसरा, नोटिस आने पर यह देखें कि क्या वो आपके पैन कार्ड नंबर से जारी किया गया है या नहीं। आपको बता दें कि आयकर विभाग पैन कार्ड नंबर के आधार पर नोटिस जारी करता है, ना कि नाम के आधार पर। ऐसे में कई बार गलती से किसी व्यक्ति का नोटिस दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। हो सकता है कि नोटिस ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति का हो जिसका नाम और जन्म तिथि आपसे मेल खाती हो। नोटिस में दिए गए पैन नंबर का मिलान जरूर कर लें। चौथा, सभी दस्तावेज व्यवस्थित कर लें। यह भी संभव है कि नोटिस भेजने के लिए आपके रिटर्न को संयोगवश जांच के लिए चुन लिया गया है। बोलते हैं ना एट रैंडम चुन लिया जाना, तो हो सकता है एट रैंडम चुन लिया गया हो। इसलिए नोटिस मिलने पर डरने के बजाय आयकर विभाग द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों और बाकी सूचनाओं को इकट्ठा करें। इन दस्तावेजों में आपके लेन देन से संबंधित कागजात हो सकते हैं, IT रिटर्न की रसीद हो सकती है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया तो उससे संबंधित कागजात हो सकते हैं, आयकर स्रोत जानने के लिए बैंक अकाउंट दिखाना पड़ सकता है, या फिर भुगतान के बारे में बताने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्टेटमेंट शामिल रह सकता है।
पांचवा, नोटिस का गुम हो जाना आपकी मुश्किल बढ़ा सकता है, इसकी फोटोकॉपी या स्कैनिंग करवाकर रख लेना चाहिए। नोटिस ईमेल से मिलने पर इसे कंप्यूटर पर डाउनलोड करना बेहतर होगा। और छठा, कई बार गलत आईटी रिटर्न फाइल करने पर टैक्स चोरी के संदेह में भी आयकर विभाग नोटिस भेजता है, ऐसे में अपने सीए से बात करें और इसका समाधान निकाले। सातवां, नोटिस में उसे जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पद जरूर दिया होता है, अधिकारी के हस्ताक्षर, मुहर, दफ्तर का पता और इनकम टैक्स वार्ड और सर्कल का जिक्र भी नोटिस में अवश्य होता है। नोटिस ईमेल से मिलने पर उसका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN जरूर देखें। आठवां, अगर सिर्फ ज्यादा टैक्स के लिए नोटिस भेजा गया है तो इससे खुद भी निपट सकते हैं, मामला थोड़ा उलझाने वाला है तो किसी टैक्स सलाहकार की मदद लेना बेहतर होगा। प्रोफेशनल व्यक्ति आपको रिटर्न के मामले में हुई गड़बड़ी के बारे में सटीक ढंग से बता सकेगा और नोटिस का बेहतर जवाब तैयार करने में आपकी मदद करेगा। तो ये तो हो गया कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिले तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आपको घबराना नहीं चाहिए और आपको नोटिस पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए कि मामला क्या है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स विभाग क्यों किसी को नोटिस भेजता है। पहला, हो सकता है आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया गया हो। दूसरा, अधिक वैल्यू के लेन देन करने पर पैन कार्ड नंबर की जानकारी नहीं दी गई हो। तीसरा, सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नकदी जमा करने पर भी नोटिस जारी किया जा सकता है। चौथा, साल में 30 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करने पर नोटिस जारी किया सकता है। चौथा, साल में 30 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करने पर नोटिस जारी किया जा सकता है। पांचवा, आयकर के स्रोत के बारे में सही जानकारी नहीं देने या आयकर विभाग द्वारा आपके द्वारा दी गई आयकर स्रोत के बारे में जानकारी से संतुष्ट नहीं होने पर नोटिस आपको मिल सकता है। सातवां, निवेश या डिपॉजिट के स्रोत के बारे में जानकारी के लिए आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो इस तरह से आपको इनकम टैक्स नोटिस कब भेज सकता है, कितने निवेश पर भेज सकता है और अगर आपको नोटिस भेजा गया हो तो कैसे निपटना है, इन सब बातों के बारे में मैंने जानकारी दी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें और कोई सलाह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।